भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में इंटरनेट सेवाओं को बंद करके प्रदेश सरकार व्यापार को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने आज कहा कि लगातार इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के बाद भी प्रदेश सरकार परीक्षाओं में नकल रोकने में नाकाम रही है। राजस्थान की सरकार जो भी परीक्षा आयोजित होती है उस परीक्षा के आयोजन के दौरान नेट बंदी करने का काम करती है, लेकिन राजस्थान की सरकार ये भूल जाती है कि नेट बंदी ही सिर्फ एकमात्र समाधान नहीं है। नेट बंदी के अलावा ब्रॉडबैंड के दो कनेक्शन है वो संचालित रहते हैं, वाईफाई संचालित रहती है। जो अपराध करने के वाले लोग हैं वो तो अपराध को कारित करने का काम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन नेट बंदी करके राजस्थान के लाखों व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान करने का काम कर रही है।